हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस द मॉम क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 11 क्वेश्चंस के बारे में। थोड़ा उससे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा जो हम पार्ट 5 है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो टॉप 11 क्वेश्चन आज रखे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये जो टॉप 11 क्वेश्चन है इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और जितने भी टेस्ट सीरीज हुए हैं, जितने भी क्वीज बनी है, उनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप है ग्रुप, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएंगे आपको, आप वहां से अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था, वहां से शुरू करते हैं। तो पिछला जो वीडियो था वो दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती प्रदेश पर समाप्त हुआ था। तो हाड़ौती प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये राज्य का, यहाँ पर लगभग क्षेत्रफल की बात करें तो प्रदेश का यहाँ पर 7%, कितना 7%, यानी लगभग 6.89% जो क्षेत्रफल यहाँ पर फैला हुआ है, कहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती क्षेत्र में, कितना 7%। और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या की लगभग 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, कितनी 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। आइए डिस्कस करते हैं, निर्माण है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका जो निर्माण है ये ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से हुआ है। और यहाँ की जो मुख्य मिट्टी है, यहाँ की जो मुख्य मिट्टी है वो काली और या फिर इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये यहाँ की मुख्य जो पाई जाने वाली मिट्टी है दक्षिणी पूर्वी पठारी या फिर हाड़ौती प्रदेश की। हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो ये जो दक्षिण पूर्व का मैदान है या फिर ये पठारी प्रदेश है। अब बात करते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित है। तो दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसमें कोटा आता है, कौन सा कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट बात करें इसके अध्ययन, हाड़ौती को अध्ययन की दृष्टि से दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया, दो जो मुख्य भाग है हाड़ौती का जो पठार है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार है, और दूसरा जो है वो है विंध्यन कगार, कौन सा विंध्यन कगार। विंध्यन कगार की बात करें या फिर दक्कन लावा पठार की बात करें तो ये हाड़ौती की दो पठारी प्रदेश है जिनको दो भागों में डिवाइड किया गया हाड़ौती प्रदेश को पढ़ने के लिए। और ये बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दक्षिणी जो ये दक्षिणी का पूर्वी मैदान है या फिर जो पठारी प्रदेश है हाड़ौती का जो पठार है, यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु है, कौन सी अति आर्द्र जलवायु है। और यहाँ पर वर्षा की बात करें, इसकी वर्षा की, तो यहाँ पर औसतन जो वर्षा होती है वो 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर होती है, कितनी 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है यहाँ पर वर्षा होती है औसतन। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जो मिट्टी का क्षेत्र है वो लाल कच्छारी और काली मृदा, लाल कच्छारी और काली मृदा, कौन सी मिट्टियां, तीन मुख्य यहाँ पर मिट्टियां जो मिट्टियों का जो प्रकार है वो है लाल कच्छारी और काली मृदा। अब बात करें यहाँ पर प्रमुख फसलें कौन सी होती है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं वो मसाले की फसलें होती है, कौन सी मसाले की फसलें होती है यहाँ पर, मसाले की जो फसलें हैं ये मुख्यतः दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है, यानी ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है यहाँ पर मुख्य फसलें हैं मसाले की फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर जो मुख्य अभ्यारण है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी बात करें तो यहाँ पर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण है, कौन सा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की प्रमुख वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर उष्ण शुष्क पतझड़ वाले वन है, कौन से उष्ण शुष्क पतझड़ वाले वन, कौन से उष्ण शुष्क पतझड़ वाले वन है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में बहने वाली जो प्रमुख नदी है, इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है कुछ इस प्रकार से, ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है चंबल, कौन सी चंबल, चंबल नदी यहाँ की मुख्य नदी है। नेक्स्ट बात करें
कि ये जो क्षेत्र है ये विंध्याचल पर्वत यानी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है ये विंध्याचल पर्वत, इसी का ये क्षेत्र है। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी सीमा, ये मध्य प्रदेश से लगती है। हाड़ौती का जो पठार है इसके अंतर्गत एक आता है उपरमाल का पठार। कौन सा? उपरमाल का पठार, उपरमाल का पठार आता है। दूसरा नेक्स्ट बात करें यहाँ पर झालावाड़ और बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भाग सम्मिलित है। पठारी भाग आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है। पठारी जो क्षेत्र है ये मालवा के पठार में, और उपरमाल का पठार है, मेवाड़ का यहाँ पर पठार है। मालवा का पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है, ये जो मालवा का पठार है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। कौन सा? मालवा का पठार, मालवा का पठार ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान या फिर हाड़ौती क्षेत्र में सम्मिलित है। और इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो 360 से 460 मीटर है। कितनी है? 360 से 460 मीटर है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, बूंदी की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। याद रखना ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं और ये जो बूंदी की पहाड़ियां हैं ये अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। किस रूप में? अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। और इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है, ऊंचाई के बारे में बात करें तो इनकी ऊंचाई है वो 300 से लेकर 350 मीटर औसतन ऊंचाई है। कितनी? 300 से लेकर 350 मीटर औसतन ऊंचाई है। आगे बात करें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी क्षेत्र में वो ये है कि बूंदू नगर से 13 किलोमीटर पश्चिम में ये जो शिखर स्तूर है, इनका स्रोत शिखर है। ये जो क्षेत्र है कौन सा? ये जो पहाड़ियां हैं इनका सर्वोच्च शिखर है वो है शिखर, जो सर्वोच्च शिखर है यानी सर्वोच्च जो चोटी है वो है स्तुर। स्तुर जो शिखर है वो सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है वो 353 मीटर है। कितनी? 353 मीटर है। और ये जो शिखर स्तुर है ये बूंदू जो शहर है बूंदी का, उस नगर से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की नदियों की। नेक्स्ट बात करें तो इनमें काली सिंधी है। कौन सी है? काली सिंधी नदी है और परवन नदी है। परवन नदी है, काली सिंधी नदी है, प्रमुख नदी है वो चंबल नदी है और एक पार्वती नदी है। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी? परवन है, पार्वती है और काली सिंधी है। प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर ये जो क्षेत्र है हाड़ौती का, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है चंबल। नेक्स्ट ये दे रखा है दक्कन का लावा पठार और विंध्यन गगार, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, विंध्यन गगार और फिर ये है दक्कन लावा पठार, विंध्यन गगार। ये हाड़ौती का क्षेत्र है। और विस्तार की बात करें तो मानसिंह मान अपभ्रंश है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और डांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? डांग क्षेत्र। नेक्स्ट बात करें कि ये जो दक्कन का लावा पठार है इसके बारे में, जो दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान का प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, इसकी जो ये जो क्षेत्र है ये उपरमाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उपरमाल के नाम से जाना जाता है ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। बात करें कि मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग 3 सैकंद्रीय गगारों के रूप में विस्तृत है यहाँ पर। और यहाँ पर मुख्यतः जो पत्थर पाए जाते हैं उनका नाम ये बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, और यहाँ पर बीच बीच में जो शिलाएं हैं वो स्लेटी पत्थर भी पाए जाते हैं। और बात करें कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कोटा बूंदी का क्षेत्र है, कोटा बूंदी का जो पठारी क्षेत्र है वो भी इस उपरमाल के पठार में सम्मिलित है, यानी दक्षिण पूर्वी जो दक्कन का लावा पठार है इसमें सम्मिलित है। और बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, औसत ऊंचाई की बात करें इसकी तो वो है 210 मीटर से 215 मीटर। कितनी? 210 मीटर से 215 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर बूंदी व मुकुंदवारा की पहाड़ियां, कौन सी? बूंदी व मुकुंदवारा की पहाड़ियां हैं वो इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं। और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो है गन्ना, कौन सी? गन्ना, चावल और है कपास, अफीम, जौ, गेहूं, चना आदि, या फिर कांप ये काली मिट्टी क्षेत्र में की जाती है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, इस कारण यहाँ पर गन्ना की, चावल की, कपास की, अफीम की, जौ की, गेहूं की, ये मुख्य फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं।
अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो दक्कन का पठार है, इसका जो क्षेत्र है ये मालव प्रदेश या फिर उपरमाल के क्षेत्र में है। मालव प्रदेश प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र है। उपरमाल की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा है वो बेसरोडगढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसरोडगढ़ कहलाता है वो, और भीलवाड़ा का जो बिजोलिया क्षेत्र है इनके मध्य में स्थित जो क्षेत्र है इसे उपरमाल का पठार कहते हैं। मालव प्रदेश के बारे में हमने बात की, ये प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करें तो विंध्यन गगार भूमि यानी विस्तार है इसका हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये जो चार जिले हैं ये मुख्य रूप से हाड़ौती के नाम से जाने जाते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। डांग क्षेत्र की बात करें तो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। हमने पीछे डिस्कस किया था क्या कि सी डी और एस एम ये ट्रिक बनी थी, यानी करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र कहलाता है। विंध्यन कगार में पाई जाने वाली चट्टानों की बात करेंगे नेक्स्ट, सैंडस्टोन। कौन सा? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन के बारे में हमने बात की, यहाँ पर बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। कौन से? बलुआ पत्थर। इन्हीं बलुआ पत्थर को कहा जाता है क्या? सैंडस्टोन। लाइमस्टोन है यहाँ पर, रेड स्टोन यानी लाल पत्थर है, और कोटा स्टोन है यहाँ पर मुख्यतः हीरा जो क्षेत्र राजस्थान के अंदर पाया जाता है, तो यही क्षेत्र है। कौन सा? ये विंध्यन कगार में पाई जाने वाली मुख्य जो चट्टाने ये है। हाड़ौती के गौण भाग, अब हाड़ौती के जो गौण भाग है उनके बारे में बात करें तो गौण भाग एक तो है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी है यानी ये अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां हैं। शाहबाद उच्च भूमि है, शाहबाद उच्च भूमि है, ये शाहबाद उच्च भूमि ये जो 12 क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पर 12 का जो क्षेत्र है यहाँ का क्षेत्र शाहबाद उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और 12 का जो पूर्वी भाग है, कौन सा? पूर्वी भाग है ये शाहबाद उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती जो क्षेत्र है इसके पांच जो गौण प्रदेश है मुख्य है, जो पांच धरातीय उप प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, दूसरा है शाहबाद उच्च भूमि, तीसरा है डंग गंगधर पठार या फिर उच्च भूमि। अन्य जो दो बचे हैं उन्हें कहते हैं नदी निर्मित मैदान। कौन से? नदी निर्मित मैदान। और एक है झालावाड़ का पठार। कौन सा? झालावाड़ का पठार। अब यहाँ पर दे रखा है अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी है ये बूंदी हिल्स है, मुकुंद्रा की हिल्स है, ये कोटा और झालावाड़ की जो पहाड़ियां हैं ये मुकुंद्रा हिल्स कहा जाता है। 12 घोड़े की नाल जैसी जो पहाड़ी है वो 12 में स्थित है। झालावाड़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये डंगंगधर पठार या फिर उच्च भूमि कहलाती है। राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान के जो प्रमुख पठार है उनके बारे में डिस्कस कर दें। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया का पठार। ये उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? ये उड़िया का पठार स्थित है सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। और इसकी जो सबसे ऊंचा पठार है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है ये है उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। नेक्स्ट बात करें तो दो नंबर है वो है आबू पर्वत। कौन सा? आबू पर्वत। आबू पर्वत या फिर आबू का पठार। कौन सा? आबू का पठार। ये नंबर दो पर आता है आबू का पठार। आबू का पठार भी कहाँ स्थित है? सिरोही में। आबू का पठार भी कहाँ स्थित है? सिरोही में। और ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई की बात करें वो है 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। अभी हमने बात किया उड़िया के पठार जिसकी ऊंचाई थी कितनी? 1360 मीटर। और ये जो आबू का पठार है इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। और दोनों ही कहाँ स्थित है? दोनों ही सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बोराट का पठार। इसे कहा जाता है क्या? बोराट का पठार। कौन सा? बोराट का पठार या फिर बोराट का पठार। ये जो पठार है ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा, कहाँ से? गोगुंदा से लेकर ये कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद। इनका जो बीच का जो क्षेत्र है ये बोराट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोराट के नाम से। नेक्स्ट बात करें कि ये जो क्षेत्र है ये बोराट के नाम से जाना जाता है, और इस बोराट के जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई या फिर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 600 मीटर। कितनी? 600 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? बोराट के पठार या फिर बोमट के पठार की। और ये कहाँ स्थित है? ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। कहाँ पर है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित है, और उदयपुर राजसमंद के बीच में ये जो क्षेत्र पड़ता है ये बोराट का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है वो है बोमट का पठार। कौन सा? बोमट का पठार। बोमट का पठार है ये उदयपुर और डूंगरपुर के बीच स्थित है। कौन सा? बोमट का पठार।
और ये दे रखा है कांकड़वाड़ी का पठार और फिर क्रांसका का पठार। कौन सा? कांकड़वाड़ी का पठार और क्रांसका का पठार। कांकड़वाड़ी और ये जो क्रांसका का पठार है इसके बारे में बात करें तो ये सरिस्का अलवर में पड़ते हैं। कहां पर? सरिस्का अलवर में पड़ते हैं। कौन से? कांकड़वाड़ी का पठार और क्रांसका का पठार, ये दोनों ही कहां स्थित है? सरिस्का का जो क्षेत्र है, सरिस्का अभयारण्य का जो क्षेत्र अलवर में पड़ता है, वहां की ये पठारी प्रदेश है। नेक्स्ट बात करें तो मेसा का पठार, मेसा का पठार है ये चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में पड़ता है और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा मेसा के पठार पर स्थित है, इसे मेसा का पठार या फिर मेसा का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये दे रखा है मानदेसरा पठार। कौन सा? मानदेसरा पठार। मानदेसरा पठार के बारे में बात करें तो इसका दूसरा नाम है मनदेसरा पठार। कौन सा? मनदेसरा पठार। कौन सा पठार कहा जाता है? मनदेसरा पठार या फिर मानदेसरा पठार, ये पड़ता है भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में। ये क्षेत्र, ये जो मानदेसरा है, मनदेसरा का जो पठार है, कहां पड़ता है? भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट बात करें तो है लसाड़िया का पठार। कौन सा? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया के पठार के बारे में बात करें तो ये जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। किस झील के? जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। कौन सा? ये लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। कौन सा? लसाड़िया का पठार। आगे दे रखा है जयसमंद झील, ये जयसमंद झील जो उदयपुर का क्षेत्र है यहीं पर स्थित है। कौन सा? लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट बात करें जो अन्य जो पठारी क्षेत्र है उनके बारे में बात करें तो एक हमने पढ़ा था कौन सा? उपरमाल का पठार। कौन सा? उपरमाल का पठार। ये जो उपरमाल का पठार है ये कहाँ स्थित है? ये भैंसरोड़गढ़ बिजोलिया जो क्षेत्र है मालवा के पठार प्रदेश में मिल जाते हैं। ये भैंसरोड़गढ़ और बिजोलिया का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, बिजोलिया भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर पड़ता है कौन सा? उपरमाल का पठार। नेक्स्ट बात करें तो मगरा। कौन सा? मगरा। मगरा की बात करें तो ये जो मगरा है, मगरा का जो क्षेत्र है ये उदयपुर में, कहां पर? उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम भाग में पाली राजसमंद से जुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा? मगरा। मगरा उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी, कौन से? उत्तर पश्चिमी, ये वाला क्षेत्र, और पाली के साथ, यहां पर पाली पाली और राजसमंद से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है उदयपुर का, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है क्या? मगरा। और उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मगरा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देखिए उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया का पठार। अभी हमने बात किया सभी पठारों के बारे में, अब बात करते हैं उड़िया का पठार। हमने पढ़ा कितनी ऊंचाई थी इसकी, ऊंचाई थी 1360 मीटर और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू पर्वत हमने बात किया, ये एक पठार है जो दक्षिण अरावली सिरोही में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई है कितनी? 1200 मीटर। आगे बात करें तो आबू पर्वत मुकुंद गुंबद संरचना का उदाहरण माना जाता है। किस संरचना का उदाहरण माना जाता है? गुंबद संरचना का। आबू पर्वत किस संरचना का उदाहरण माना जाता है? गुंबद संरचना का। नेक्स्ट हमने पढ़ा बोराट का पठार, दक्षिण अरावली में उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियां व राजसमंद की, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियां व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। कितनी? 1225 मीटर। यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। लसाड़िया का पठार, दक्षिणी अरावली उदयपुर की जैसमंद झील के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठारी भाग क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु। जलवायु के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में जो आएगा, जो हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो हमने 11 जो क्वीज बनाई है, 11 प्रश्नों का जो टेस्ट बनाया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि पूर्व की जो हुई जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें पूछा गया है। तो ध्यान से देखना उन प्रश्नों को, और यही जो प्रश्न है घूम फिर करा के नेक्स्ट हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला यह है कि ये जो दे रखा है पहला प्रश्न, बांसवाड़ा शहर का नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा? ये भाई परिचालक 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा जो शहर है इसका नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा था, बांस की अधिक पैदावार के कारण इस क्षेत्र का नाम है क्या पड़ा? बांसवाड़ा। नेक्स्ट दो नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है ताल छापर और पड़ियारा रण क्षेत्र है। कौन सा? ताल छापर और पड़ियारा रण क्षेत्र है। ऑप्शन दे रखा था शेखावाटी क्षेत्र, जो इसका राइट आंसर था। शेखावाटी क्षेत्र में पड़ते हैं ताल छापर अभयारण्य और पड़ियारा जो क्षेत्र है, और ये पटवार 2011 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें तो तीन नंबर जो पॉइंट है वो है
कि राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, घनत्व के बारे में पूछा गया है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या या फिर जो रह रहे हैं वहां पर औसतन जो घनत्व है उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पूर्वी मैदानी भाग है, यहाँ पर सर्वाधिक जो घनत्व है जनसंख्या का राजस्थान के अंदर पाया जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्षेत्रफल का 23% है और जनसंख्या यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या की 39%, कितनी 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है और ये पटवार 2011 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट चार नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, मरुस्थल में स्थित बेसिन है। अब ये मरुस्थल का बेसिन पूछा गया है भाई, क्वेश्चन है ये ग्रेड थर्ड 2013 में पूछा गया है कि मरुस्थल में स्थित बेसिन है तो वो है गोडवाड़ बेसिन। कौन सा बेसिन है? गोडवाड़ बेसिन। नेक्स्ट पांच नंबर जो पॉइंट है वो है थार मरुस्थल भूमि, जो मरुभूमि है वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाओं में व्याप्त है। थार शब्द का अर्थ है, तो थार शब्द का अर्थ होता है क्या? मरुभूमि। क्या होता है? मरुभूमि। ये RSRTC LDC 2013 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 वो ये है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मरुस्थल क्षेत्र में पूछा गया, देखना भाई, मरुस्थल क्षेत्र में विशिष्ट जो झीलें होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको डांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांड कहा जाता है। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 56 का मैदान कहाँ स्थित है? कौन सा 56 का मैदान कहाँ स्थित है ये पूछा गया भाई। 56 का मैदान है, इसके बारे में डिस्कस करें तो ये दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। कौन सा? 56 का मैदान। और टेक्स्ट सुपरवाइजर के अंदर ये पूछा गया है 2015 के अंदर। नेक्स्ट बात करें सिफ किस प्रकार के बालुका स्तूप है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिफ है वो किस प्रकार के बालुका स्तूप है। मैंने काफी सारा एनालिसिस किया और उनमें पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है, मेनी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्स्टेबल की बात करें तो मैंने लगभग 10 पेपर पीछे जो हो चुके हैं आज से पहले वो मैंने पढ़े हैं, तो उनके बारे में ये जो सिफ का जो है प्रश्न ये काफी बार पूछा गया है। तो ये अनुदित्रीय बालुका स्तूप होते हैं। कौन से? अनुदित्रीय। और PTI सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें तो रेगिस्तान में उत्पन्न हुआ वायु भंवर कहलाता है। ये भी एक सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? इसको भगूलिया। हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान में उत्पन्न जो वायु का भंवर या भवंडर जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? भगूलिया। गांव वाला तो इना चित्र जाने है, शहर वाला तो ध्यान को नहीं। कृषि पर्यवेक्षक 2012 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है वो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, या फिर जिसे हम कहते हैं क्या? थार का मरुस्थल। ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और इसके जो क्षेत्रफल की बात करें तो ये 61.11% है। कितना? 61.11% है, जो वर्तमान में ये बढ़ता जा रहा है अभी। ये 61 से लेकर लगभग 65% के समथिंग हो गया है अभी, क्योंकि थार का मरुस्थल का मार्च से बढ़ता और जा रहा है। मरुस्थल का मार्च का मतलब ये है कि मरुस्थल का बढ़ना ही मरुस्थल का मार्च कहलाता है। और 61.11% ये जो भौतिक प्रदेश है यहाँ पर जनसंख्या है वो 40% निवास करती है। इतना ही पूछा गया था। क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान राज्य का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो है पश्चिमी रेतीला प्रदेश। और ग्रेड थर्ड के अंदर 2013 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उदयपुर के बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाली पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो हमने अभी डिस्कस किया था कि उदयपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो कटोरेनुमा जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है गिरवा। क्या कहलाता है? ये गिरवा कहलाता है। ये RSRTC LDC 2013 के अंदर पूछा गया है कि उदयपुर के चारों ओर जो बेसिन के चारों ओर तरफ कटोरे जैसी आकृति वाला पर्वतीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गिरवा। तो अभी हमने 11 प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें भी इसी प्रकार की क्विज आपको देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये नंबर जो दे रखे हैं इन पर आप जाकर आप अपने व्हाट्सएप पर हमें ऐड कर सकते हैं या फिर हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि पटवार कांस्टेबल के ये प्रश्न सब आता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एकीकरण से संबंधित। और एक जो हमारे चैनल पर क्वीज चल रही है लकी ड्रॉ की, इसमें टॉप जो 5 विनर होंगे इनके खाते में 50 रुपये डिपॉजिट किए जाएंगे। नेक्स्ट जो
आपसे कहना है अलविदा, और आपको यही कहना है दोस्तों कि अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ एक कृपा कर देना अपने इस भाई के लिए, इसने दोस्त के लिए, इस फ्रेंड के लिए, जो भी आप समझो, जितना आप हमें प्यार दे सकते हैं वो इस रूप में होगा कि आप इस चैनल को एक बार अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपका दिन अच्छा हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, आप जो सर्विस पाना चाहते हो वो आपको मिले। भगवान से यही कामना करता हूँ, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से, जो भी आप मानते हो उस शक्ति को, उस देवता को, उसको, भगवान को। तो आज के लिए तो ही, राम राम खम्मा गणी। और चैनल ने सब्सक्राइब करिया भाई लोगों, और अधिक से अधिक शेयर करिया, ताकि यो थारो छोटो भाई थारे लिए बहुत कुछ बढ़िया कर सके, और थारे लिए इन प्रकार का टॉपिक बढ़िया